दोस्तों फाइनली जिस चीज का आप लोग इतने दिन से वेट कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है। यस यार, विंडोज 11 22H2 का अपडेट और रिलीज डेट भी आ चुका है। साथ ही साथ कैसा प्रोसेस रहने वाला है, डेट क्या होने वाली है, एग्जैक्ट डेट के नियर हम पहुंच जाएंगे वैसे एक्सपेक्टेड तो आ ही चुकी है। साथ ही साथ भाई इसकी क्या फीचर्स तो वैसे हमें पता ही है, पहले से ही एडवांस रहते हैं। अच्छा हाँ, रजिस्ट्रेशन कैसे ये सब चीजें करनी है ना, जैसे हमने विंडोज 11 के लिए किया था वो सब चीजें आज बात करते हैं। सन वैली 2 अपडेट है, ऐसे छोटा मोटा अपडेट थोड़ी है, थोड़ा देखते हैं यार कैसा कुछ रहने वाला है, रिलीज डेट पे भी बात करते हैं। बाकी स्वागत आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। ये सारा कुछ जितना भी मैं भाई अभी आपको बताने वाला हूँ सब कुछ ऑफिशियली है, कुछ भी ऐसे या चंदा मंदा सोर्सेस से नहीं आने वाला है। पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फीचर्स का। देखो विंडोज 11 के फीचर्स पे हमने काफी बार बात करी है, एडेड होते ही चले जा रहे हैं। और अब तो यार विंडोज वाले जो है अगले अपडेट 23H2 के लिए फीचर्स डिजाइन करने लग गए। तो एक चीज तो क्लियर होती है, 22H2 जो है उसके फीचर्स डन हो चुके हैं। और इवन आज की डेट में अगर आप चाहो तो इंजॉय भी कर सकते हो इनसाइडर के द्वारा, पता ही है आप सबको यार, इतने तो एडवांस आप लोग हो ही गए। तो विंडोज 11 22H2 के मेजर फीचर पूछोगे तो टास्क मैनेजर में चेंजेस हो गए, फिर बहुत सारे एप्लीकेशन का सपोर्ट है, बहुत सारे डार्क थीम, ये सब चीजें बहुत कुछ अनेबल हुआ है। शायद आपको वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला था ना, वो समस्या भी शायद दूर होते हुए दिखेगी। और सबसे बड़ी चीज जो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसी अपडेट के बाद भाई आपको गूगल प्ले गेम्स भी पीसी पे आता हुआ दिखेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट हो जाता है इन सब चीजों के मायने आप रखते हो तो। बाकी फीचर्स पे डेडिकेटेड वीडियो आई बटन पे आप देख सकते हो। तो ये सब बात हो गई भाई विंडोज 11 के फीचर्स के बारे में। बाकी यार अपडेट में कुछ चीजें निकल के आ रही है, लाइक यार सबसे पहले तो यहाँ पे लग रहा है कि ये जो अपडेट होने वाला है ना काफी हद तक फ्रेश इंस्टॉल बेस होगा। लाइक अपना जैसे फ्रेश इंस्टॉल करते हैं ना यूएसबी के थ्रू, उस तरीके का इंस्टॉल होगा। पर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आप जैसे अपडेट करते हो वैसे ही करोगे, आपका 1% भी कोई ऐप से डेटा हटेगा नहीं, सिंपल अपडेट होगा जैसे नॉर्मली होता है। पर जितना पता चल रहा है कि ये पूरी तरीके से हटा के अपनी नई विंडोज को डालेगा, क्योंकि फीचर्स ही इतने अपडेटेड हो रहे हैं तो यार लगता है कि ये सब चीजें होंगी। थर्ड में आपको यार रिलीज डेट पे यार बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे यार कंफर्म रिलीज डेट आ गई है जो होने वाली है नवंबर में, और जहां तक उम्मीद है ये लेट नवंबर लिखा गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो लेट नवंबर एग्जैक्ट अगर मैं आपको थोड़ा फिगर आउट करूं तो 16 से लेकर 21 के आसपास आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे यार ये चीज थोड़ी सी वेरी करती है, लाइक देखो माइक्रोसॉफ्ट वाले ऐसा नहीं है कि 21 को अपडेट देने वाले हैं तो पूरे वर्ल्ड को 21 को अपडेट देंगे, ऐसा नहीं है यार। किसी किसी आदमी को 16 से स्टार्ट हो जाती है और मंथ के एंड तक आपको बेसिकली सारे डिवाइस में मिल जाएगी। तो आपको ये नहीं करना कि भाई मेरे उस पीसी पे आ गया, इस पे आने में अभी टाइम लग रहा है, तो ये टाइम लगेगा। मतलब आप समझ लो ओवरऑल नवंबर के एंड से पहले 25 26 27 के आसपास आपको सारे डिवाइसेस में यार विंडोज 11 22H2 का अपडेट मिल जाएगा, जितने ही कॉम्पैटिबल हो गए। आप कॉम्पैटिबल 5 बटन पे वीडियो देख सकते हो, चाहो तो चेक भी कर सकते हो। तो ये सब चीजें रहने वाली है, कॉम्पैटिबल भी होना चाहिए। यहाँ काफी लोग पूछ रहे थे भाई से रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, तो रजिस्टर की क्या जरूरत पड़ेगी, ये नॉर्मल अपडेट जैसे विंडोज में आता है ना, अगर वो आ रहे हैं आपके सिस्टम में तो बिल्कुल आपको ये अपडेट भी मिल जाएगा। कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी तक तो नहीं है, शायद बाद में हो जाएगी यार, जो डिवाइसेस होंगे उनके लिए हो तो वो बाद में आएगी, जब अपडेटेड तब बात करेंगे। अभी करंटली बताऊं तो ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं लग रहा है। और लास्ट में यही बोलूंगा, अगर आप चाहो तो अभी भी इसे एंजॉय कर सकते हो, डेवलपर बीटा में आ चुका है, इवन मैंने खुद इंस्टॉल कर रखा है, यू कैन चेक फ्रॉम आई बटन। तो ये सब चीजें आई है, तो बढ़िया यार 11 की फाइनली रिलीज डेट आ चुकी है। अब इस पर तमाम बातें रिलीज पे करेंगे। बाकी चलो मैंने सोचा यार ये बताना चाहिए, बहुत लोग इंतजार कर रहे थे। अब बताओ वीडियो कैसे लगी, जरूर पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक करना है, सब्सक्राइब बनता है, शेयर करते हुए जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।